हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कैरेट लड्डू। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होते हैं, इसलिए बच्चे इसे बहुत पसंद भी करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं, इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 250 ग्राम कैरेट, जिसे कि मैंने पील करके अच्छे से धो लिया है और इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आधा कप चीनी, 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच किशमिश, 2 चम्मच पिस्ता, आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। 1/4 कप कोकोनट पाउडर लिया मैंने, 1/4 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। अब हम सबसे पहले एक पैन को गर्म कर लेंगे और इसमें कैरेट डालेंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। आप देख सकते हैं कैरेट पानी छोड़ने लगा है। अब हम इसे ढककर 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं। आप देख सकते हैं कैरेट का पानी सूख चुका है। अब हम इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इलायची का पाउडर डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हम लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसी तरह चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। हमारा कैरेट का मिश्रण तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद करेंगे और लड्डू बना लेंगे। मैंने हाथों में थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब हम लड्डू बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हाथ से दबाते हुए लड्डू का शेप दे देंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लड्डू बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह हम बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। आप चाहे तो लड्डू को बनाने के बाद आप लड्डू को कोकोनट पाउडर से कोट कर सकते हैं, इससे लड्डू देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। या आप लड्डुओं को ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं, मैं इसमें पिस्ता से गार्निश करूंगी। इसी तरह से हम सभी लड्डू को तैयार कर लेंगे। हमारे लड्डू बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बाय बाय।